Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra second chapter practice set 2.3. तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट स्क्वायर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं. जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में x के वैल्यूज़ निकाले, उसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज़ करके हम x के दो वैल्यूज़ निकालेंगे. लेकिन वो अलग मेथड है और 2.2 में जो हमने सीखा वो अलग मेथड था. जैसे आपके पेज नंबर 37 पे एक सम दे के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2. देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन करते थे प्रैक्टिस सेट 2.2 में, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते थे, 2 आता था, 2 का फैक्टर हम निकालते थे, उसके बाद प्लस या माइनस करने पे ये वाले नंबर्स आते थे. लेकिन 2 का फैक्टर तो यही होगा, 2 1 जा 2 2, तो सिर्फ एक के टेबल में आता है और 2 और 1 3 होगा, ना कि 10 होगा. तो इसलिए ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा. अब चलिए देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज़ कैसे करेंगे. तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में भेज देना पड़ेगा. तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2. दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पहले तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देना है, उसके बाद दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ऐसा नंबर्स लाना है जिससे क्या क्रिएट हो, फॉर्मूला क्रिएट हो. कौन सा फॉर्मूला, ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला. उसके बाद हमें आगे के स्टेप्स को क्या करना है वो हम लोग देखते हैं धीरे धीरे. पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं. कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला. अब वो कैसे बनेगा, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. और हमें एक बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए. जब भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो जो पहला टर्म होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए. ये इस तरह से होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ना कि यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ये ए से हम लोग को सब जगह डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं. देखिए 2x इंटू 5 के फॉर्म में. उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को एज इट इज़ लिख लिए. तो अब हम लोग इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये फॉर्मूला बन जाए. कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का. तो अगर मैं इधर पे प्लस 5 स्क्वायर से और इधर पे प्लस 5 स्क्वायर से ऐड कर दूं तो ये हमारा उस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा. देखिए किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 5. अब हम लोग यहाँ पे प्लस 5 के स्क्वायर से और यहाँ पे भी प्लस 5 के स्क्वायर से ऐड कर देते हैं. तो अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हुआ, ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला. a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो देखिए a स्क्वायर हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस 25. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 23. ये ऐसे हो गया. अब क्या होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है. तो ये जो स्क्वायर होता है ये यहाँ पर आकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है. और जब ये रूट बनता है तो प्लस माइनस दोनों होता है. तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा, x प्लस 5 जो है वो रूट बन जाएगा 23 के ऊपर और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस. तो अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन. तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेक पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू रूट 23. तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू रूट 23 माइनस 5. उसके बाद टेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, इधर पे निगेटिव लेते हैं. तो अब निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू माइनस रूट 23. तो अब ये 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 23 माइनस 5.
तो बस इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं सारे प्रैक्टिस सेट के। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.3। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी सेम दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो चलिए इसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये राइट हैंड साइड में हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसे फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना है। कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में, इस फॉर्मूले के फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब देखिए ये जो 1/2 मिला है ना, इसी के स्क्वायर से इस साइड भी प्लस करना है और इस साइड भी प्लस करना है। तो सबसे पहले इस साइड में प्लस कर देता हूँ इसी के स्क्वायर से, उसके बाद इस साइड भी मैं प्लस कर देता हूँ इसी में। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी से क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले प्रीवियस एग्जांपल में 5 से किया था, यहाँ पे 5 आया था, तो उसी तरह से यहाँ पे 1/2 आया, इसलिए 1/2 के स्क्वायर से इधर भी प्लस करेंगे और इधर भी प्लस करेंगे। उसको कट हो जाएगा वो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लिख सकते हैं दोनों साइड 2 × x × 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2 × x × 1/2, इस पूरे स्टेप को एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 + 1/4। नाउ अब देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर, ये b हो गया, ये a हो गया और यहाँ पे 2ab। तो इसे लिख लीजिए फॉर्मूले के फॉर्म में, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा है, 20 + 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 = 80/4। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4। नाउ ये स्क्वायर इधर पे क्या लग जाएगा, रूट। तो ये स्क्वायर का हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √81/4। x प्लस 1/2, 81 क्या हो जाएगा, 9, और 2 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 2 ना। अब ये 1/2 इस साइड जाएगा, एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए टेक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। तो ये 1/2 इस साइड जाएगा, तो x इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 8/2। 2 × 4 = 8, x का वैल्यू कितना आ गया, 4। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टेक निगेटिव। तो निगेटिव वाला नंबर लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। तो माइनस 1/2 क्या होगा, उस साइड जाएगा, माइनस 9/2 माइनस 1/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10/2। ये कैंसल हो जाएगा तो -5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसका फाइनल आंसर बाकी रह गया है, वो लिख लीजिए फाइनल आंसर, सेम 2.2 में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, 4 एंड माइनस 5 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस फाइव है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स है, लेकिन ये 2x तो है, यहाँ पे एक नंबर हमें और चाहिए, तो हम अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2x एज इट इज रहेगा इक्वल टू 5। अब ये जो 1 है इसी को इसी के स्क्वायर से हम लोग एक बार इस साइड प्लस करते हैं, एक बार इस साइड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या हो गया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6। अब ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर है इसको रूट लगा दीजिए इधर पे, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार निगेटिव, टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू रूट 6। अब ये इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू रूट 6 माइनस 1। उसके बाद एक बार निगेटिव ले लीजिए, टेक निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट 6। तो अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1। तो हमारा दो आंसर मिला x का, एक ये मिला और एक ये मिला। तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं अपना, फाइनल आंसर क्या होगा, रूट 6 माइनस 1 एंड माइनस 6 माइनस 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 राइट हैंड साइड में पहले से दिया हुआ है, तो हम इसे क्या बनाते हैं, अब डायरेक्टली फार्मूला। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो देखिए एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 5 अपॉन 2 से अगर हम लोग इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5m इक्वल टू माइनस 3। अब ये 5 अपॉन 2 जो है इसके स्क्वायर से एक बार इस साइड प्लस कीजिए, एक बार इस साइड, तो एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं m माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 3 प्लस 25 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, m माइनस 5 अपॉन 2, 4 3 जा 12, माइनस 12 प्लस 25 अपॉन 4, 25 माइनस 12 कीजिए, m माइनस 5 अपॉन 2 इसको एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, 13 अपॉन 4। अब इसका जो रूट है इस पे लगा दीजिए m माइनस 5 अपॉन 2, इसका जो स्क्वायर है वहाँ पर रूट बन जाएगा माइनस 13 अपॉन 4 प्लस माइनस।
तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसके आगे अभी देखिए माइनस, ये जो 13 है ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा, बड़े डिजिट के सामने प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब ये प्लस 13 है, इसका तो रूट नहीं होता, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, m माइनस 5/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 13/2। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो टेक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, m माइनस 5/2 इक्वल टू 13/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो रूट 13/2 प्लस 5/2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 13 प्लस 5/2, ये आ गया हमारा 1m का वैल्यू। अब हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, टेक निगेटिव। अब हम लोग ने निगेटिव लिया तो सेम एज इट इज m माइनस 5/2, यहाँ पर निगेटिव आएगा माइनस रूट 13/2। अब ये उस साइड जाएगा तो m इक्वल टू माइनस रूट 13/2 प्लस 5/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m का, माइनस 13 प्लस 5/2। तो देखिए हमें 2m का वैल्यू मिल गया। तो अब आंसर लिख लीजिए, आंसर रूट 13 प्लस 5/2 एंड माइनस रूट 13 प्लस 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे 9 देके रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 12y/9 आ जाएगा, यहाँ पे 2/9 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय 9। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y/3 प्लस 2/9 इक्वल टू 0। अब 2/9 को उस साइड लेके जाइए तो वाई स्क्वायर माइनस 4y/3 इक्वल टू माइनस 2/9। अब देखिए हमें इसको फॉर्मूला मेथड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे कि इस ये फॉर्मूला बन जाए। तो y माइनस 2 इंटू y 4/3 होना चाहिए, तो हम लोग अगर 4/6 कर दें तो ये 2 3 जा 6 होगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और y बचेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2/9। अब अगले स्टेप में मैं इसको उस तरह से लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4/6 इक्वल टू माइनस 2/9। ये देखिए कैंसल हो रहा है, 2 जा 3 जा, तो क्या आ गया हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2/3 इक्वल टू माइनस 2/9। अब अगले स्टेप में क्या करता हूँ मैं, ये 2/3 जो है इसी के स्क्वायर से एक बार इस साइड प्लस करते हैं, एक बार इस साइड प्लस करते हैं, कीजिए वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं उस तरह से, y प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 2/9
इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 + 4/9। नाउ y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/9। फिर इसका रूट, ये स्क्वायर है, यहाँ पर रूट लगा देंगे तो y माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2/9, ये 9 क्या बन जाएगा 3, रूट से बाहर आएगा तो y माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2/3। अब अगला स्टेप करते हैं, ये माइनस है इस साइड लेके आइए, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए एक बार निगेटिव, तो यहाँ पे लिखिए टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा y माइनस 2/3 इक्वल टू रूट 2/3। अब इसको इस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा रूट 2/3 प्लस 2/3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 2 + 2/3। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब दूसरा ले लीजिए, टेक निगेटिव, तो सेम y माइनस 2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -√2/3। अब उसको उस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -√2/3 प्लस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा -√2 + 2/3। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, √2 + 2/3 एंड -√2 + 2/3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सेम फोर की तरह, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो हम लोग बोथ साइड में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए 2 से, 2y² / 9y / 2 + 10/2 = 0/2। यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय 2। अब क्या कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा y² + 9y / 2 + 2 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 = 0। ना अब ये 5 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, y² + 9y / 2 = -5। अब इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा y² + 2 × y। अब हमें ये 9/2 तो पहले से है, ये हमें चाहिए, लेकिन ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लाया तो यहाँ पे भी 2 से एक्स्ट्रा से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा 9/2 बचेगा = -5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 9/4, तो y² + 2 × y × 9/4 = -5। अब मैं क्या करूँगा 9/4 के होल स्क्वायर से एक बार इस साइड प्लस करूँगा एक बार इस साइड, तो चलिए कर लेते हैं, y² + 2y × 9/4 + 9/4 = -5 + 9/4 2। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y² + 2y × 9/4 + 9/4 2। इसको सॉल्व कीजिए -5 + 81/16। नाउ अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा है a + b के होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b². अब इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा y + 9/4 = -5 + 81/16।
ना y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 माइनस 80 प्लस 81/60, तो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/16। नाउ ये स्क्वायर जो है इस साइड क्या आ जाएगा रूट, तो 1 प्लस 9/4 का रूट लग जाएगा प्लस माइनस 1/16। तो अब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, ठीक है। तो अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार निगेटिव ले लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए टेक पॉजिटिव, क्या हो जाएगा y प्लस 9/4 इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4, y इक्वल टू 1 माइनस 9/4, y इक्वल टू क्या आ जाएगा -8/4, 4 2 8 माइनस 2, y का वैल्यू कितना आ गया -2। अब हम लोग क्या करते हैं निगेटिव ले लेते हैं, टेक निगेटिव, सेम y प्लस 9/4 इक्वल टू -1/4, इसको उस साइड लेके जाइए -1/4 -9/4, y इक्वल टू -1 -9/4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -10/4, इसको कैंसिल कीजिए 2 5 2 2, तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू -5/2। तो इस तरह से हमें दो आंसर मिल गए y के, तो फाइनल आंसर लिख लीजिए -2 and 5/2 इज द रूट ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। चलिए अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x² = 4x + 7, तो 4x को सबसे पहले इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x² - 4x = 7। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड किससे 5 से, तो ये हो जाएगा 5x² - 4x / 5 = 7/5, इधर लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 4x / 5, यहाँ पे 7/5, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम लोग फार्मूला मेथड में लिख सकते हैं कैसे, x² - 2 × 2x / 5, जो हम कर सकते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा, इसको इस तरह से मत लिखिए, इसको लिखिए 2 × x × 2/5। अब ये 2 2 4 हो जाएगा 4/5x = 7/5। अब देखिए जो 2/5 है इसके स्क्वायर से हम लोग एक बार इस साइड प्लस करते हैं, एक बार इस साइड प्लस करते हैं, x² - 2 × x × 2/5 + 2/5 2/5 2/5। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया a - b² का, a² - 2ab + b², तो हम लोग इसे लिख लेते हैं फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा ये x - 2/5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 7/5 + 4/25। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखिए x - 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 7/5 है, यहाँ पे 25 है, इसमें 5 से इसमें 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 7 × 5/5 + 4/25, तो ये x - 2/5 एज इट इज रहेगा,
ये क्या हो जाएगा 35 बाय 25 प्लस 4 बाय 25। नाउ x माइनस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 4 अपॉन 25। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 39 बाय 25। अब ये जो स्क्वायर है इस साइड आकर रूट लग जाएगा x माइनस 2 बाय 5 प्लस माइनस रूट में 39 बाय 25। अब ये 25 को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 39 अपॉन 5। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार निगेटिव। तो लिखिए यहाँ पे टेक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाय 5 इक्वल टू रूट 39 बाय 5। तो x इक्वल टू रूट 39 बाय 5, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5, ये हो गया एक आंसर हमारा। अब दूसरा देखते हैं, टेक निगेटिव। निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाय 5 इक्वल टू रूट 39 बाय 5, यहाँ पे माइनस। तो x इक्वल टू माइनस 39 बाय 5 प्लस 2 बाय 5, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, अब फाइनल आंसर लिख लीजिए रूट 39 प्लस 2 बाय 5 एंड माइनस 39 प्लस 2 बाय 5 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।